हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे आपके क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जो कि मानचित्र है। और जो ये चैप्टर्स चल रहे हैं, ये रीट के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और इसके अलावा आपके राजस्थान में जितनी भी भर्तियां निकली हुई हैं, जैसे कि बंटवार है, कांस्टेबल, पुलिस, या फिर जो भी आगे आएंगे LDC वगैरह, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, मैंने आपको चैप्टर लास्ट चैप्टर थर्ड करवाया था, जिसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको इसके आंसर्स नहीं बताए थे, ओनली क्वेश्चंस करने के लिए बोला था। आज मैं इनको बता देती हूँ। देखिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला है, भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1960, 1975, 1947 या 1985। तो देखो, इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी। क्या होगा? 1975 ईस्वी। नेक्स्ट, राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वैद्यशाला स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? उदयपुर, कोटा, जयपुर या जोधपुर? तो देखो, ये कहाँ पर है? ये आपकी है जयपुर में। कहाँ पर है ये? जयपुर में स्थित है। जयपुर इसका आंसर होगा, जयपुर। और थे रिक्त स्थान थे, तो देखिए, आर्यभट्ट जो थे वो भारत के महान खगोलविद थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। तो फ्रेंड्स, ये तो हैं आपके जो चैप्टर नंबर थर्ड मैंने करवाया था पहले, उसके क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपको मैंने करने के लिए दिए थे। और हमने फोर्थ चैप्टर भी छोड़ा है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इससे पहले कि हम चैप्टर 5 कर रहे हैं आज, जिसका नाम है मानचित्र। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, आज से लगभग कितने वर्षों पहले तथा किसने उपयोगी मानचित्र बनाए? जैसा कि आप सब जानते हो कि आप इस चैप्टर का नेम ही मानचित्र है, और इसमें पूछ क्या रहा है कि आज से लगभग कितने वर्षों पहले तथा किसने उपयोगी मानचित्र बनाए। तो देखो, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले, कितने? 3000। आज से लगभग 3000 वर्षों से भी पहले, कितना? 3000 मिस्रवासियों ने, किसने? मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम उपयोगी मानचित्र बनाए, जिसमें नील नदी के आसपास के क्षेत्रों को दर्शाया था। उसमें क्या दर्शाया गया? उसमें जो नील नदी है उसके आसपास के क्षेत्रों को दर्शाया गया। नेक्स्ट देखिए, हिकेटियस ने अपना मानचित्र कब तैयार किया? वे कहाँ के निवासी थे? तो देखिए, जो सबसे पहले मानचित्र था वो हिकेटियस ने तैयार किया था। इसके बाद आपको इस चैप्टर में दो नेम मिलेंगे, दो नाम मिलेंगे जिन्होंने इसका मतलब इसको तैयार किया था। पहले तो हिकेटियस थे जिन्होंने मानचित्र को तैयार किया, और उसके बाद में आपको मिलेंगे टॉलेमी। और इन दोनों में से जो टॉलेमी होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, हिकेटियस ने अपना मानचित्र कब तैयार किया और वे कहाँ के निवासी थे। तो देखो, हिकेटियस ने अपना मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं या 6ठी शताब्दी में तैयार किया। कब किया? ईसा पूर्व 5वीं या 6ठी शताब्दी में तैयार किया था, जो कि भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे। वो कहाँ के निवासी थे? तो वो भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे। नेक्स्ट, इस समय संसार को केवल कितने महाद्वीपों में बांटा जाता था? देखो, उस समय पूछ रहे हैं जब मानचित्र तैयार हो रहे थे, यानी मानचित्र भी नहीं बने थे, जो मानचित्र तैयार हुआ था सबसे पहला मानचित्र, तो उस समय भारत को संसार को केवल कितने महाद्वीपों में बांटा जाता था? तो उस समय संसार को केवल 3 महाद्वीपों में बांटा जाता था। कितने महाद्वीप थे उस समय? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ये 3 महाद्वीप थे उस समय। नेक्स्ट, ग्रीक राज्य के पतन के बाद रोमन राज्य का उदय हुआ। इस समय के किस महान भूगोलवेत्ता ने यूरोप एवं संसार के ऐसे मानचित्रों की रचना की जिसमें अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पक्का है। तो देखो, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, यानी ग्रीक राज्य के पतन के बाद रोमन राज्य का उदय हुआ। इस समय के किस महान भूगोलवेत्ता ने यूरोप एवं संसार के ऐसे मानचित्रों की रचना की जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया? इससे पहले देखो, जो हिकेटियस का जो मानचित्र आया था ईसा पूर्व 5वीं या 6ठी शताब्दी में, जो उन्होंने तैयार किया था, जो कि भूमध्य सागर के करीब के निवासी थे, उस समय क्या हुआ था?
उस समय जो मानचित्र उन्होंने तैयार किया उसके अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाया नहीं गया था, ये आपको याद रखना है। और जब टॉलेमी ने अपना मानचित्र निर्माण किया तो उसमें उन्होंने महाद्वीपों को भी दर्शाया और उसके साथ में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाया, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाना जो दिया हुआ है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया। तो किसने दर्शाया? टॉलेमी ने दर्शाया। नेक्स्ट, प्रथम ग्लोब का निर्माण कब हुआ? तो देखो जो प्रथम ग्लोब है 13वीं सदी के पश्चात हुआ। कब हुआ? 13वीं सदी के पश्चात हुआ, जब यूरोप में समुद्री यात्राओं के लिए सही दिशाओं की जानकारी की आवश्यकता हुई, इस समय प्रथम ग्लोब का निर्माण हुआ। तो प्रथम ग्लोब का निर्माण कब हुआ? 13वीं सदी के पश्चात, जब यूरोप में समुद्री यात्राओं के लिए सही दिशाओं की जानकारी, यानी उनको दिशाओं का ज्ञान जो था वो जानकारी चाहिए थी कि आवश्यकता हुई कि सही दिशा में हम जाएं, तो इस समय ही क्या हुआ? ग्लोब का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ? तो देखो यूरोप के 16वीं सदी में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ। कब हुआ? 16वीं सदी में, 16वीं सदी में, 16वीं सदी में। नेक्स्ट, और मानचित्रों का निर्माण आसान हो गया, इस प्रकार समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र कला का विकास हुआ। इसके बाद ही जो समुद्री यात्राएं थी, यानी भारत की खोज हुई, जो किसने करी थी? वास्को डी गामा ने करी थी। इस प्रकार ये खोजें होती गई, जब इन मानचित्रों का आविष्कार हो गया तो मानचित्रों के अनुसार ही खोज की जाने लगी। नेक्स्ट, पैमाना या मापनी किसे कहते हैं? मानचित्र के दो स्थानों के मध्य की दूरी तथा उन्हीं दो स्थानों के मध्य धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को पैमाना या मापनी कहते हैं। दिशा सूचक या दिक सूचक यंत्र किसे कहा जाता है? तो देखो दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे दिक सूचक यंत्र या फिर दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास कहा जाता है, जिसे आप नॉर्थ भी, ये किसको बताता है? नॉर्थ को बताता है। नेक्स्ट, विभिन्न रूट चिन्हों या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? विभिन्न जो हमारा भूभाग है उसकी सभी विशेषताओं को दर्शाने हेतु मानचित्र के समतल पटल पर पर्याप्त स्थान नहीं होता, इस हेतु विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए विभिन्न रूट चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सामान्यतः जो इनका प्रयोग किया जाता है वो नदी, नाले, समुद्र आदि जो जलाशय हैं उनके नीले रंग, पर्वतों का भूरे रंग, पठारों के पीले रंग और मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। या देखिए इनके भी कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे कि नाले के लिए कुछ ऐसा बना दिया कि आगे नाला है, और समुद्र है तो समुद्र के लिए कुछ इस टाइप का बना दिया, और जो पर्वतों के लिए जो भूरा रंग है यानी इधर आगे जाके पर्वत हैं और ये कैसे हैं ये भूरे बना दिए, तो इस टाइप से ये जो एक तरह से चिन्ह होते हैं जो कि बना दिए जाते हैं, प्रतीक होते हैं। रेखा चित्र किसे कहते हैं? जब आप किसी मित्र को जैसे पहली बार अपने घर बुलाओगे तो उन्हें अपने घर का पता समझाने के लिए रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र खींचते हैं। देखो इस टाइप से जैसे आप बताओगे कि ये गली है, ये उसके आगे कोई शॉप आएगी, फिर आपको ऐसे लेफ्ट जाना है, फिर आपको ऐसे राइट राइट जाना है, यहाँ पर कोई शॉप आएगी, उसके बाद कोई मंदिर आएगा, मंदिर के बाद फिर एक कोई शॉप आएगी, फिर आपका इधर घर आएगा और आप बताओगे कि कोई बड़ा सा फाटक है, तो इस टाइप से यानी जो घर का रेखा चित्र आपने बनाए तो उसे उसी को क्या बोल देंगे? रेखा चित्र कहेंगे। जब आप किसी मित्र को पहली बार अपने घर बुलाते हैं तो उसे अपने घर का पता समझाने के लिए रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र खींचते हैं जिसमें कुछ मुख्य स्थानों को दर्शाते हैं, उसे ही रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। खाका किसे कहते हैं? किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो खाका किसे बोलेंगे? यानी कि किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। इस खाके का पैमाना 1 सेंटी बराबर 1 मीटर या फिर इससे कुछ ही अधिक होता है। मानचित्र किसे कहते हैं? यह एक बड़े पैमाने को प्रदर्शित करता है जिसमें एक निश्चित पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्र दूरी, स्थिति, दिशा एवं विवरण को दर्शाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, एक मानचित्र दूरी, स्थिति और दिशा, यानी इन तीनों पॉइंटों को याद रखना, मानचित्र दूरी, स्थिति, दिशा एवं विवरण को दर्शाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, मानचित्रों के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए मानचित्र कौन कौन से, किस टाइप के मानचित्र होते हैं? देखिए मानचित्र भौतिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, विषयक होते हैं और भूसंपत्ति मानचित्र हो सकते हैं। तो देखिए इन मानचित्रों को 4 भागों में बांटा गया है जिसके नाम है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र और भूसंपत्ति मानचित्र। तो देखिए अब सबसे पहले हम भौतिक मानचित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो देखिए
पृथ्वी की जो पृथ्वी है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, महासागर हैं आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं, जो पृथ्वी या किसी भूभाग की भौतिक स्वरूप की जानकारी देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक मानचित्र क्या होते हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ हैं, पर्वत, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि जितने भी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, इनको दर्शाने के लिए जिस मानचित्र का प्रयोग करते हैं उसको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? किसी भी देश, राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्य की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यानी किसी देश, राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों के राज्यों सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट, विषयक मानचित्र किसे कहते हैं? जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उसे विषयक या थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और विषयक मानचित्र को ही देखो थीमेटिक कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है थीमेटिक। तो देखो, जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उसे विषयक या थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे परिवहन, तापमान, वर्षण, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के विवरण को दर्शाने वाले मानचित्र। नेक्स्ट, भूसंपत्ति मानचित्र किसे कहते हैं? इन्हें कैडिस्ट्रल मानचित्र भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कैडिस्ट्रल मानचित्र भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद करना। इन्हें कैडिस्ट्रल मानचित्र भी कहते हैं। यह मानचित्र साधारणतः पटवारी के पास होता है। किसके पास होता है? ये पटवारी के पास होता है, और जिसमें गांव के खेतों का नक्शा या मानचित्र होता है। इनसे यह पता चलता है कि कौन सी ज़मीन किसकी है। तो ये किसके पास होते हैं? ये पटवारी के पास होते हैं और ये संपत्ति से जो रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, जो चैप्टर था आपका वो ख़त्म हो चुका है। यानी जो पूरे इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे, वो जो इम्पोर्टेंट्स थे, वो ये सारा चैप्टर हो गया है। और इसके बाद अब इसकी शब्दावली देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, यानी मॉडल। जैसी पृथ्वी है उसका ही एक प्रतिरूप होता है। उसको सारी जो पृथ्वी है, महासागर है, उसमें जितने भी महाद्वीप हैं, जितनी भी रेखाएं हैं, जितने भी अक्षांश हैं, जितने भी ध्रुव हैं, वो सब किसमें होते हैं? वो सब ग्लोब के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, विषयक मानचित्र क्या होता है? किसी विशेष तथ्य की जानकारी का मानचित्र विषयक मानचित्र होता है। दिक्सूचक यंत्र किसे कहते हैं? तो देखो, दिशा बताने वाला यंत्र है, उसको क्या कहते हैं? दिक्सूचक यंत्र। रूट चिन्ह किसे कहते हैं? परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह रूट चिन्ह कहलाते हैं। कैडिस्ट्रल यानी कि भूसंपत्ति, सही विकल्प को चुनिए। इनके आंसर्स मैं नहीं बता रही हूँ, इनके आंसर्स आपको खुद बताने हैं, अभी आपको पता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं उसमें इनके आंसर्स लेके आऊँगी। तो देखिए, दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या फिर पश्चिम दिशा। वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? भारत, अमेरिका, श्रीलंका, इटली। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ग्लोब डैश का प्रतिरूप है। वास्को डी गामा भारत के डैश राज्य के कैलिकट में सन 1498 में पहुँचे थे। यूरोप में 16वीं सदी में डैश मशीन का आविष्कार हुआ। भूसंपत्ति मानचित्र साधारणतः डैश के पास होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा और इनके आंसर्स आप कमेंट कर सकते हो। और जो और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं उसमें उसके आंसर्स बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। और प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा फोर्थ है वो कल आएगा, और चैप्टर फिफ्थ है ये पहले करा दिया है। ओके, थैंक यू।